dear students. So we were discussing about chapter 7, and Ashoka the Emperor who gave up war, right? And the heading was Ashoka's inscription describing the Kalinga war. इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कलिंग वार जो है, कलिंग में जो उसने युद्ध किया उसके बारे में उसने अपने इंस्क्रिप्शन में, अपने अभिलेखों में जहाँ पर उसने मैसेजेस लिखवाया वहाँ पर उसने कलिंग युद्ध के बारे में क्या बताया, किस तरह से अपनी बातों को बयां कर रहा है, वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा है, थोड़ा सा पढ़ने लायक है कि अशोक क्या सोचता है, ठीक है ना. तो लेट्स रीड. This is what Ashoka declared in one of his inscription. एक inscription में, और inscription में आपको बता दूँ बहुत सारे inscription हैं, लेकिन आप लोग जो कलिंग वाला inscription है वो याद कर लीजिए. 13th नंबर का inscription है. ये पूछा जाता है कि किस inscription में, तो 13th inscription जो उसका था, 13वां शिलालेख था, उसका अभिलेख था, उसी में ये बातें बयां करता है. कहता है अशोक, कहता है कि दिस इज़ वॉट, सॉरी ये तो बात हम कर चुके हैं ना, हाँ, 8 years after becoming king फर्स्ट, है ना, 8 सालों बाद जो भी एक जो मतलब जीतता हुआ जा रहा था ना, कलिंग को उसने जीता, अबाउट अ लाख एंड हाफ पीपल वर कैप्चर्ड. उसने कहा कि 1 लाख से भी, है ना, और आधे लोग जो भी हैं, कि आप कह सकते हैं कि इतने लोग पकड़े गए, एंड मोर देन लाख पीपल वर किल्ड, और इससे अधिक लोग क्या हो गए, मारे गए. This filled me with sorrow. इन सभी घटनाओं ने मुझे क्या कर दिया, दुख से भर दिया. कौन कह रहा है, अशोक कह रहा है अपने शिलालेख में. ये सब पढ़ने के लिए जो हिस्टोरियन है ना, उनको, जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उनको शिलालेख मिला हुआ है, वहाँ पर सब कुछ लिखा था, ठीक है ना, ये प्रूफ के साथ है. When your an independent land is conquered, उसने कहा जब कभी मैं स्वतंत्र भूमि को क्या कर देता हूँ, जीतता हूँ, जीत लिया जाता है, तो उसमें होता क्या है, लैक ऑफ पीपल डाई, लाखों लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर, बहुत सारे लोग कैदी बन जाते हैं. ब्राह्मिन एंड मॉन्क्स आल्सो डाई, जो ब्राह्मिन हैं, ब्राह्मण धर्म के हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, वेदों का ज्ञान कराते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, मॉन्क्स, मॉन्क्स मतलब जो घूम घूम कर शिक्षा देते हैं ना, जो घूम घूम कर शिक्षा देते हैं, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भी, ये सब लोग भी मारे जाते हैं, ठीक है ना. आगे वो क्या कहता है, देखिए आगे बहुत ही, देखिए अभी तक उसको इतना उसने युद्ध किया तो अभी तक उसका हृदय नहीं पिघला है ना, अब जब इतने लोग मर गए तब उसका हृदय पिघल रहा है, अब उसको रिपेंट हो रहा है, पछता रहा है, ठीक है ना. कह रहा पीपल हु आर द काइंड टू दियर रिलेटिव एंड द फ्रेंड, ठीक है ना, मैं टिक लगा देता हूँ तो आपको दिखेगा कि हम सर कहाँ रीड कर रहे हैं, ठीक है ना. पीपल हु आर काइंड टू दियर रिलेटिव एंड फ्रेंड, लोग है ना, उनके कुछ ना कुछ रिलेटिव रहे होंगे, फ्रेंड्स रहे होंगे, है ना, टू दियर स्लेव्स, दास एंड सर्वेंट्स, सब मर जाते हैं, ठीक है ना. जैसे ही कोई राजा किसी भूमि को जीतता है तो ना, तो युद्ध में इतने सारे लोग सब मर जाते हैं. एंड लूज दियर लव्ड वंस, और वो जिससे प्यार करते हैं ना, जैसे कोई माँ बाप है अपने बच्चों से, ठीक है ना, कोई बहन है, कोई भाई है, है ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो भी उनका मर जाता है, यानी उनका जो स्नेह है, जो उनका लव है, वो भी फिनिश हो जाता है. That is why, इसलिए क्या, मैं बहुत दुखी हूँ. अब अशोक पछता रहा है अपने, ठीक है ना. And have decided to, और उसने कहा कि मैं निश्चय कर रहा हूँ, to observe धम्म, मैं अब धम्म को क्या करूँगा, observe करूँगा धम्म. अभी देखिए धम्म क्या है, मैं आपको बताऊँगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि अब धम्म एक ऐसा रास्ता है जिसमें दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाई जाती, जिसमें दूसरों को मारा नहीं जाता, धम्म एक ऐसा रास्ता है, ठीक है ना. एंड टू टीच अदर अबाउट इट इज़ वेल, पहले मैं खुद धम्म को समझूंगा और उस धम्म के मार्ग पर जाऊंगा और लोगों को भी लाने का प्रयास करूंगा. आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर दैन कंक्यूरिंग दैम थ्रू फोर्स. देखिए कितनी अच्छी बात लिखा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. अशोक का बिलीव था, अशोक कहता है कि द विनिंग पीपल, यानी लोगों को जीतना, ओवर थ्रू धम्म, धम्म के थ्रू जीतना, यानी अगर धम्म के थ्रू जीतना मतलब धम्म का रास्ता मतलब क्या है, जिसमें हम लोगों को मारेंगे नहीं, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हम लोगों का दिल जीतते हैं तो इज मच बेटर, यही सबसे अच्छा होता है, किसके कंपेयर में, देन कंक्यूरिंग देम थ्रू फोर्स, अगर उनको हम जबरदस्ती फोर्स यानी सेनाओं से उनके क्षेत्र को जीतते हैं, सेनाओं से उनको हम जीतते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे राजा हैं, जबरदस्ती उनको कैद कर लेते हैं, उनसे कहलवाते हैं कि नहीं हम आपके राजा हैं जबरदस्ती, तो ये सब कह तो देंगे लेकिन क्या दिल से कहेंगे, नहीं कहेंगे. तो इसीलिए अब अशोक कह रहा है कि लोगों को अगर जीतना है ना तो धम्म के रास्ते पर हमें जीतना पड़ेगा, इज मच बेटर देन कंक्यूरिंग देम थ्रू फोर्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू, राइट.
फिर उसके बाद कह रहा है आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं फ्यूचर के लिए इस मैसेज को क्या कर रहा हूँ, इंस्क्राइब कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो दैट जिससे क्या हो, माय सन, जो मेरे बच्चे हैं, अशोक कह रहा है जो मेरे बच्चे हैं, मैंने आपको बताया था ना महेंद्र और संघमित्रा, एक लड़का था एक लड़की थी, महेंद्र नाम था और लड़की का क्या नाम था, संघमित्रा नाम था। तो जो मेरे बच्चे हैं एंड ग्रैंड सन, जो मेरे बच्चे हैं एंड मेरे ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार, यानी जो भी मेरे बच्चे हैं ना वो भी और मेरी आगे आने वाली जो भी पीढ़ी है ना अब कभी भी युद्ध नहीं करेगी। यानी मौर्य एम्पायर का पहला ऐसा राजा या भारत का या इतिहास का हिस्ट्री का पहला ऐसा राजा जो लगातार पूरे भारत पर कब्जा करता हुआ चला जा रहा था, पूरे राज्य पर कब्जा करता हुआ चला रहा है, एक ऐसा युद्ध होता है जिसकी वजह से उसका हृदय पिघल जाता है और वो जीवन भर उस युद्ध को छोड़ने के लिए, हमेशा से युद्ध छोड़ने के लिए प्रण कर लेता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा राजा था, अशोक था, अशोक द एम्परर, सम्राट था वो, ठीक है ना, ऐसा अशोक सम्राट था, ठीक है। सम्राट क्यों कहते हैं, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था, ठीक है ना, कि सम्राट किसे कहते हैं। तो इसमें और देखिए क्या दिया है, हाउ डिड द कलिंग वॉर ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द अशोक एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर। अब क्वेश्चन वही बार बार घुमा के पूछ रहा है कि अशोक कलिंग युद्ध ने किस तरह से उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, है ना, युद्ध की तरफ से हटा दिया। तो ये सारा आंसर आपको मिल चुका है। धम्म इज द प्राकृत, अब देखिए धम्म क्या है, अब धम्म के बारे में समझिए। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा ना कि अशोक धम्म को अपना रहा है, अशोक धम्म के रास्ते पर जा रहा है, धम्म की बात करें तो धम्म क्या है, धम्म आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए धम्म इज अ प्राकृत वर्ड, उस समय की जो प्राकृत वर्ड थी, मतलब प्राकृत का मतलब मैंने क्या बताया, प्राकृत इज अ लैंग्वेज, उस समय की लैंग्वेज थी जो सभी लोगों के द्वारा बोली जाती थी। बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, प्राकृत क्या है, प्राकृत एक लैंग्वेज है जो उस समय के कॉमन पीपल द्वारा बोली जाती थी। अशोक ने अपने सारे अभिलेख किस लैंग्वेज में लिखवाए, प्राकृत में लिखवाए, हिंदी में नहीं लिखवाए, तो उस समय हिंदी नहीं इतना कोई समझ पा रहा था, ठीक है ना, प्राकृत लैंग्वेज में। फॉर द संस्कृत, इसका संस्कृत टर्म क्या है, धर्म, संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे, धर्म, धर्म तो जानते ही आप, ठीक है ना, रिलीजन जिसको बोलते हैं, तो वो रिलीजन से थोड़ा सा ही अलग है, बाकी बातें वही हैं। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट वाज अशोकास धम्म, अब अशोक का धम्म क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड, अशोका का जो धम्म है, देखिए अक्सर हम लोग धर्म में क्या करते हैं, देवी देवताओं को जोड़ लेते हैं, जैसे हिंदू धर्म है तो हम हिंदू धर्म में अपनी देवी देवताओं को जोड़ लेते हैं, बौद्ध धर्म में हम किसी ना किसी को जोड़ ही लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारा इस्लाम धर्म है उसमें हम जोड़ लेते हैं। तो अशोक के धम्म में क्या हो रहा है, अशोक धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ ए गॉड, अशोक के धम्म में किसी गॉड को इन्वॉल्व नहीं किया गया, अ परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रीफाइस, अथवा कोई बलि नहीं दी जाएगी। अशोक ने बलि को नहीं कहा कि भाई कोई जब हम बलि देंगे तब हमारे देवी देवता प्रसन्न होंगे, हमें इस तरह से करना चाहिए। अशोक कहता क्या है, उसने महसूस किया दैट जस्ट एज अ फादर, उसने कहा कि मैं एक फादर की तरह मैंने महसूस किया, एंड ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन, यानी मैं अपने बच्चों को, जैसे मैं अपने बच्चों को ट्रीट करता हूँ ना, वैसे मैं अपनी प्रजा को, जो मेरे राज्य के दरबार के कॉमन पीपल हैं, जो लोग हैं, इनको मैं अपने बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा, यही धम्म है, ठीक है ना। ही हैड अ ड्यूटी, उसकी एक ड्यूटी थी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, वो कह रहा है कि मैंने तो धम्म समझ लिया है लेकिन मेरी अपनी एक ड्यूटी है कि मैं सब्जेक्ट को सभी को समझा सकूं, निर्देश कर सकूं कि लोग भी इसका पालन करें। अब भाई राजा अगर कहेगा तो जाहिर सी बात है सभी लोग पालन करेंगे भी। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक किसके थ्रू इंस्पायर्ड होता है, अशोक इंस्पायर किसके थ्रू होता है, तो टीचिंग ऑफ बुद्ध, उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू ही हुआ था, गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार चल ही रहा था, ठीक है ना, गौतम बुद्ध तो उस समय नहीं रहे लेकिन उनका प्रचार प्रसार चल रहा था, ठीक है ना। तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किस धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया और समझा भी, पढ़ा भी, समझा भी कि बौद्ध धर्म में क्या है, और उसकी सभी अच्छी अच्छी बातों को उसने अपने दिमाग में डाला और अब वो अपने हिसाब से धम्म की बातें कर रहा है, तो ठीक है ना। धम्म धम्म जब भी आएगा तो आपको अशोक का नाम याद कर लेना है, ठीक है। तो देयर वर अ नंबर ऑफ ए पीपल, देयर वर अ नंबर ऑफ ए प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी दैट ट्रबल्ड हिम, जो उसने फेस किया। पीपल इन द एम्पायर, उसके साम्राज्य में जो लोग रहते थे फॉलोड अ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। अब देखिए अशोक क्या करने जा रहा है, अशोक करने जा रहा है धर्म समझ लिया उसने, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी बातों को समझ लिया था, खुद भी समझ गया कि क्या है रियल में सच्चाई क्या है दुनिया की, ठीक है ना। अब वो सोचता है कि मैं मेरे राज्य में जो भी लोग हैं ना वो भी मेरी तरह ही सोचें, सभी लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करें, एक दूसरे को कष्ट ना पहुँचाएं, ठीक है ना, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, ये सारी चीज़ें अशोक अब सोच रहा है और अब प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़ा है, ठीक है ना। तो अशोक
इतना आसान थोड़ी था लोगों के दिलों पर अपनी सारी बातें उतार देना, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है अशोक को, ये आप यहाँ से देखेंगे। पीपल इन द एम्पायर फॉलोड ए डिफरेंट रीजन, बहुत अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि भाई जब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं तो अशोक के धर्म को क्यों सुनेंगे, ठीक है। एंड दिस सम टाइम, अशोक का कोई धर्म नहीं था, याद रखिएगा धर्म और धम्म में अंतर है, धर्म और धम्म में अंतर है, ठीक है। धर्म को धम्म से मत जोड़िए, धम्म अलग चीज़ है, धर्म अलग है। धर्म में क्या होता है, देवी देवता, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन धम्म में नहीं है। धम्म में केवल आप अपने दिलों पर ये बातों को उतारिए और उसके अकॉर्डिंग जीवन अपना जिए, ठीक है ना। ये धम्म सिखाता है कि लाइफ को कैसे सर्वाइव करना है, जीना कैसे है हमें, ठीक है। आप किसी भी धर्म को मानिए, धम्म ये नहीं कहता कि आप किसी एक धर्म को मानिए। धम्म अशोक का जो धम्म है वो ये कह रहा है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन धर्म को मानना ही सब कुछ नहीं है। धर्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उसके अकॉर्डिंग चलिए भी, ठीक है ना। जैसे आप हिंदू धर्म के हैं या कोई इस्लाम धर्म का है, तो वो सोचे कि नहीं मेरा धर्म सबसे बहुत अच्छा है, मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है, मेरा जो रिलीजन है वो बहुत अच्छा है, हिंदू रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है, वो बहुत अच्छा है, दूसरे का रिलीजन खराब है, ऐसा नहीं सोचना है। और दूसरे के रिलीजन को क्या करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे के रिलीजन को नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो हम अपने ही रिलीजन का नुकसान करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अशोक ये कहता है। तो अशोक किस में कहता है, अशोक अपने धम्म में कहता है, धम्म, ठीक है ना, धम्म बोलिए। तो अशोक का धम्म ये कहता है कि किसी भी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे कि धर्म और धम्म में सर डिफरेंस बता रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो पीपल इन द एम्पायर फॉलोड अ डिफरेंट रिलीजन, बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन को मानते थे। दिस समटाइम्स लेड अ कॉन्फ्लिक्ट, और इसी से विवाद होता था। एनिमल्स वर सैक्रिफाइड, जो पशु होते थे उनकी बलि दे दी जाती थी लोगों, मतलब देवी देवताओं को खुश करने के लिए, तो ये भी अपराध था, देखिए, है ना। स्लेव्स एंड सर्वेंट, जो उस समय दास थे, नौकर थे ना, वर इल ट्रीटेड, उनसे बुरा व्यवहार किया जाता था। अब अशोक इन्हीं सब देखों को दुखी, इन्हीं सब चीज़ों को देखकर दुखी था। अच्छा, पहले वो दुखी नहीं था, ठीक है ना, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ इसके बाद दुखी हो रहा है। There were quarrels in a families, families में क्या होते, लड़ाई झगड़े होते थे, and among us neighbors, पड़ोसियों के साथ में भी। अब इन्हीं सब बातों पर क्या करेगा अशोक, काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अंडरलाइन करेंगे, अशोक फील्ड इट वॉज इज ड्यूटी, उसकी एक ड्यूटी है अशोक, बार बार महसूस कर रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी ये है टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम, इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब उसने पहला काम क्या किया, यहाँ से फर्स्ट नंबर डालेंगे। अब अशोक ने पहला काम क्या किया, ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नॉन एज धम्म, उसने क्या किया, धम्म महामात नाम से, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धम्म महामात की नियुक्ति कौन सा राजा करता है, तो अशोक करता है, ठीक है ना। धम्म महामात कौन थी, एक अधिकारी थे अशोक के, जिनका काम क्या होता था, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह पर घूम घूम कर जाते थे, टीचिंग पीपल, लोगों को शिक्षा देते थे अबाउट धम्म के बारे में, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये सारी बातें जो हो रही हैं ना, इनको नहीं करना है, ये सारी बातें जो ऊपर मैंने बताया ना कि होती है ना, इनको नहीं करना है, यही धम्म है, ठीक है। इन्हीं का जस्ट अपोजिट कर लेंगे, वही धम्म है आपका। धम्म क्या है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, एक दूसरे के रिलीजन को सम्मान करें, एनिमल्स को सेक्रीफाइस ना करें, एनिमल का बलि ना दें, है ना, नौकरों के साथ, स्लेव्स के, दासों के साथ बुरा व्यवहार ना करें, ठीक है, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, फैमिली में लड़ाई झगड़ा ना करें, यही धम्म है बेटा, समझ में आ गया। धम्म यही है, अशोक का धम्म यही कहता है, तभी तो लोग सुख में रहेंगे ना। ये सब चीज़ें आप लोग भी तो अपना सकते हैं ना अपने घर के आसपास, अगर आप लोग भी सब चीज़ें करते हैं ना तो आप लोग भी हैप्पी रहेंगे, राइट। Besides, अशोक got his message. अब इसके अलावा देख, पहला काम तो उसने किया, सेकेंड नंबर डालिए यहाँ पर, अशोक के वर्क हैं, ठीक है ना। उसने धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या काम किया, तो पहला आपको मैंने नोट कर दिया, ही अपॉइंटेड, यहाँ से। सेकेंड नंबर है, अशोक got his message. अशोक ने अपने जो मैसेज थे ना उसको इंस्क्राइब्ड किया, मतलब छपवाया, या कह सकते हैं कि कर्व किया, है ना, कुरदवाया, कहाँ पर, रॉक्स पर, चट्टानों पर, पिलर्स पर, उन्हीं को इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिसियल, और अपने अधिकारियों को कहा टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड देमसेल्फ, कहा कि आप जो है ना, आप जगह जगह पर खड़े हो जाइए, मेरे इंस्क्रिप्शन जो मैंने भारत में सब जगह फैला रहा हूँ ना, वहाँ पर एक एक अधिकारी रहेगा, और घूम घूम कर जो भी लोग आएंगे ना उनको बताएगा कि इसमें क्या लिखा है। जो लोग भाई पढ़ नहीं सकते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं ना, उनको आप मेरी बातों को क्या करेंगे, बताएंगे कि इसमें क्या बात लिखी। तो दो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो अशोक ने काम किया। थर्ड नंबर और देख लीजिए, अशोक ऑल्सो सेंट द मैसेंजर्स, अशोक ने दूत भेजे, जैसे मैसेंजर्स भेजा गया था ना, अभी मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर, जो वेस्ट एशिया का राजा था, पश्चिमी एशिया का राजा था, उसने मेगस्थनीज को भारत में भेजा था, है ना, दूत के रूप में, ठीक है।
तो इस तरह से अशोक ने भी अपने मैसेंजर्स भेजे टू स्प्रेड आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए अबाउट धम्म। उसका आइडिया क्या था? धम्म वाला, है ना, टू अदर लैंड्स। तो भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी। अब से देखिए क्यों बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना कंधार बताया था, ठीक है ना, वहां तक गए थे। तो देखिए सच है, सीरिया कहाँ पड़ता है भाई, अभी समझ लीजिए। देखिए इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया के बाद इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, ईरान की ही जस्ट इधर आपको सऊदी अरबिया है, और सऊदी अरबिया में ही आपको बहुत सारे प्लेसेस मिल जाएंगे। यहाँ पर इराक है, ईरान है, ठीक है, इजिप्ट उसी के आगे है। इजिप्ट कहाँ पड़ेगा आपका? अफ्रीका में आपका इजिप्ट मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ तक, ठीक है। तो इजिप्ट में भी गया, ग्रीस कहाँ पर है? ग्रीस उससे भी आगे, अफ्रीका से भी आगे, अफ्रीका से आगे चले जाइए यूनान यानी कि यूरोप में चले जाइए, तो वहाँ तक, यानी वहाँ तक देखिए इसने अपना मैसेज फैलाया था, ग्रीस तक, ठीक है ना। एंड श्रीलंका भारत, श्रीलंका तो आप जानते हैं इंडिया के यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए मैप, आप लोग पोलिटिकल मैप एक बार देख लीजिए, और वर्ल्ड वाला मैप भी देख लीजिए, उसमें आप वर्ल्ड वाले मैप में इन सारे नामों को ढूंढिएगा कि सीरिया कहाँ पर है, इजिप्ट कहाँ पर है, ग्रीस कहाँ है, श्रीलंका है। मैं आपको बुक में बताया दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। जैसे इंडिया है ना, तो आपको मैप पे मिलेगा कहाँ, जैसे इंडिया को पहले सर्च करेंगे आप, फिर पाकिस्तान मिलेगा, फिर अफगानिस्तान मिलेगा, फिर ईरान मिलेगा आपको, ठीक है। यहीं से लगा हुआ आपका सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया में बहुत सारे देश हैं आपके, यहीं पर आपका दुबई है, ठीक है ना, ओमान है, ये आपका यहाँ पर टर्की है, ठीक है ना, टर्की। और इधर आपका क्या पड़ेगा, इधर आपका आपका पड़ेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर ही आपका इजिप्ट आपको मिल जाएगा। और जस्ट ऊपर जब आप जाएंगे ना टर्की को क्रॉस करके, जब आप टर्की को क्रॉस करते हुए यूरोप को टच करेंगे, यूरोप के जस्ट इधर ही इसी साइड में, यूरोप के जस्ट आप देखेंगे तो ईस्ट में ही, यूरोप के ईस्ट में ही आपको ग्रीस मिल जाएगा, ठीक है, वहीं पर आपको ग्रीस मिल जाएगा, राइट। इजिप्ट कहाँ मिलेगा आपको? अफ्रीका के ईस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, जस्ट ऊपर ही, ठीक है। और ये श्रीलंका तो आपको पता ही, श्रीलंका आपका यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से अब देखिए अशोक ने अपने मैसेज कहाँ कहाँ फैलाया था, कितना पॉपुलर राजा था ये, सारे इन क्षेत्रों को जीता हुआ था उसने, कब्जा था, तभी तो वहाँ तक मैसेज फैला रहा है, नहीं तो अगर कोई दूसरे राज्य का होगा तो वहाँ तक मैसेज कैसे जाएगा। ही बिल्ट रोड्स, उसने बहुत सारे, फिर देखिए ये आपका फोर्थ नंबर हो गया। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स, ये सब अच्छे काम किए उसने, रोड्स बनवाया है ना, कुएं खुदवाए लोगों को, है ना, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो रोड्स में, ठीक है ना, वेल्स में पानी पीने का आराम हो। बिल्ट रेस्ट हाउसेस बनाए, जैसे वो लोग बहुत लंबी यात्रा तय कर रहे हैं, बीच में रेस्ट करना है तो रोड के किनारे रेस्ट हाउसेस बनवा दिए, ये उसके अलग से काम थे। इसके अलावा बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये आपका फिफ्थ नंबर हो गया। इसके अतिरिक्त क्या किया उसने? ही अरेंज द मेडिकल ट्रीटमेंट, उसने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी क्या किया, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल दोनों के लिए उसने मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की, ठीक है। इस तरह से ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को इसमें पढ़ने के लिए मिल गई हैं, ठीक है। अब देखिए अशोकास मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अब अशोका अपने मैसेजेस पर क्या बोलता है, थोड़ा सा इसको भी फटाफट देख लेते हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लास्ट पैराग्राफ से। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अशोका अपने मैसेज में क्या कहता है? पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स, लोग क्या करते थे, अलग अलग रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, रिचुअल्स मैंने हालांकि आपको बताया है, रिचुअल्स का मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड, यानी पूजा पाठ अगर आपका कोई घर में करा रहे हैं ना वो रिचुअल्स है, यज्ञ करा रहे हैं वो रिचुअल्स है, आपके फादर आपको कोई संस्कार दे रहे हैं, कोई शिक्षा दे रहे हैं, वो भी आपका रिचुअल्स है, ठीक है। तो पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। व्हेन दे फॉल इल, ठीक है, वे जब वो कभी बीमार होते हैं तभी तो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ना, जैसे कोई होता है ना पूजा, किसी की मनौती होती है ना, कोई लोग मान्यता मान लेते हैं उसी को मनौती बोलते हैं, कोई मान्यता उनकी पूरी हो जाती है ना तो उसको जब परफॉर्म होती है तो उसके लिए वो कथा कराते हैं, है ना, यज्ञ कराते हैं, रामायण कहलाते हैं घरों में, ठीक, तभी करते हैं उसके, और वैसा नहीं करते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब उनकी शादी, बच्चों की शादी होती है ना तभी बहुत बड़ा ओकेशन करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं खिलाए पिलाएंगे। व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, जब बच्चा पैदा हो जाता है बॉर्न हो जाता है तो उसका बर्थडे मनाते हैं, ठीक है ना, खुशी में सबको खिलाते हैं। व्हेन दे गो जर्नी, जब वो कहीं जाते हैं, तो दीज रिचुअल्स, अशोक कह रहा है कि दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, अशोक क्या कह रहा है, दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ये सब कुछ क्या है, यूजफुल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या करना चाहिए, अशोक का कहना क्या है, अशोक क्या चाहता है कि कैसे रहना चाहिए? अशोक कहता है कि इफ नस्टीड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस, इसके अलावा जो